मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में NICDIT की दूसरी बैठक में सचिवालय से वर्चुअली माध्यम से प्रतिभाग किया। उन्होंने उत्तराखंड के किच्छा तहसील के अंतर्गत लगभग 1000 एकड़ पर विकसित किए जाने वाले अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना में लगभग 7500 करोड़ का प्रत्यक्ष निवेश और युवाओं के लिए लगभग 20,000 रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार ने परियोजना के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन, पर्यावरणीय अनुमति, शेयर होल्डर एग्रीमेंट और स्टेटस सपोर्ट एग्रीमेंट, ग्राउंड वाटर अनुमति एवं सीडा द्वारा मानचित्र के अनुमोदन की कार्यवाही की जा चुकी है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर पर कॉरिडोर, व्यावसायिक जो कॉरिडोर बनाने की योजना प्रारंभ की है, उस योजना में अमृता कोलकाता कॉरिडोर के अंतर्गत हमारे यहां पर खुरपिया फॉर्म में 1000 एकड़ जमीन इस कॉरिडोर के लिए हमने उसको हस्तांतरित कर दी है। कॉरिडोर बनाने के लिए जल्दी ही 410 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार से मिलेगी और इस कॉरिडोर के बनने से लगभग 7000 करोड़ से भी ज्यादा का यहाँ पर रोजगार स्थापित होगा और इतना निवेश होगा, इसके साथ साथ 20,000 लोगों को रोजगार से भी जुड़ने का अवसर भी मिलेगा।